चार दिनों तक चलने वाले छठ पर्व की छटा उत्तराखंड के हरिद्वार में दिखाई दी, जहां छठ पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। श्रद्धालुओं ने बुधवार को डूबते और गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ देकर सूर्य देवता की उपासना की। लेकिन श्रद्धा के इस पर्व पर अब छुट्टी को सियासत भी है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश के कई हिस्सों में छठ पूजा का विशेष महत्व है, जहां छठ पर्व भक्तिभाव के साथ ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। श्रद्धालु नदी तालाबों के घाटों पर पहुंचकर विधि विधान से सूर्य देवता की पूजा अर्चना करते हैं और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इस बार हर की पौड़ी सहित हरिद्वार के तमाम घाटों पर भी छठ पूजा की छटा दिखाई दी। कल देर शाम डूबते सूर्य को अर्घ देने के लिए घाटों पर भीड़ उमड़ी, तो वहीं आज सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाटों पर पहुंचे। लेकिन प्रशासन द्वारा समुचित व्यवस्था नहीं किए जाने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। गंगा घाटों पर पर्याप्त जल ना होने के कारण भी श्रद्धालु नाराज दिखे। उन्होंने कहा कि इस व्रत और पूजा का महत्व जल में डूबकर सूर्य की पूजा करना होता है, लेकिन पर्याप्त जल न होने के कारण उनकी पूजा सही से सफल नहीं हो पा रही। यहाँ श्रद्धालुओं को नहाने में दिक्कत हो रहा है, और जैसे कि पानी में आधा खड़े होकर के अर्घ देते हैं, उस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। जो लोग नहाना चाह रहे हैं वो डाक के उधर जा रहे हैं, और बालू बालू की वजह से बच्चे भी नहीं नीचे आ पा रहे, इंजॉय नहीं कर पा रहे मतलब पूजा का अच्छे से। इसके लिए तो बहुत बहुत थैंक यू सरकार को। छुट्टी तो होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये मतलब एक स्टेट में नहीं मनाया था, पूरे मतलब पूरे इंडिया में मनाया जा रहा है इसे, तो इसके लिए छुट्टी तो होनी चाहिए। छोड़ना चाहिए था प्रशासन को मेरे ख्याल से। जब छुट्टियां घोषित हुई हैं, सभी लोग छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं, छठ पूजा कर रहे हैं। यहाँ घाट में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अर्घ देने के लिए कम से कम तो इतना कमर तक पानी होना चाहिए, और बिल्कुल ही पानी नहीं है, प्रॉब्लम हो रही है लोगों को, उधर कूद के जाना पड़ रहा है। प्रशासन से निवेदन है कि छठ के आसपास पानी अच्छी तरह से छोड़ दिया जाए, जिससे असुविधा ना हो घाटों में लोगों को। धन्यवाद। अब जहां अव्यवस्थाओं को लेकर श्रद्धालुओं की परेशानी बढ़ रही है, तो वहीं छठ पर छुट्टी को लेकर भी सियासत हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का आरोप था कि उनके कार्यकाल में छठ पूजा की छुट्टी हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन विपक्ष के वार को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी छठ पूजा की छुट्टी कर पूर्वांचल के लोगों को खुश कर दिया, जिसके बाद अब कांग्रेस बीजेपी फिर आमने सामने है। चल भाई है जो हमारे भोजपुरी समाज के लोग हैं, और जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, उसमें साथ साथ आज पूरा भारत और पूरे दुनिया के लोग इस पर्व को मनाते हैं। भगवान सूर्य को साक्षी मान करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और इसमें हमारे कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी थे, उन्होंने इसकी पूजा पाठ में भाग लिया था, और उन्होंने छुट्टी भी इसमें आवंटित की थी। ये अच्छी बात है, खुशी की बात है कि वर्तमान सरकार ने चाहे दबाव में ही आकर के सही, लेकिन उनको ये छुट्टी घोषित की और सब लोगों को ये पर्व मनाने के लिए एक खुशी का माहौल प्रदान किया। व्यवस्था के नाम पर जो सरकार है या प्रशासन है वो बिल्कुल गायब है। सिर्फ अंतिम समय में खाली ट्रैफिक पुलिस वाले सामने आ रहे हैं। एक तो घाटों की सफाई और घाटों की जो व्यवस्था होनी चाहिए थी वो बिल्कुल गायब है। छठ मैया जो है वो सभी की मनोकामना पूर्ण करती हैं, और पूर्वांचलवासी इसको बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। मुख्यमंत्री साहब ने इस पे जो छुट्टी की घोषणा करी, बहुत अच्छा उनका फैसला है। कारण ये कि बहुत सारे, क्योंकि ये 3 दिन का पर्व है, महाराजा अग्रसेन घाट पे आज सभी जितने भी श्रद्धालु, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये घाट जो है बिल्कुल हमारा बीच में पड़ता है, बहुत सारे लोग इस घाट पर लगातार पहुँचते हैं, और बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर भीड़ थी, और उन सभी के लिए पूजा के लिए जो व्यवस्था की गई थी वहाँ पे, एक तो माइक की व्यवस्था करी गई मेरे द्वारा, क्योंकि छठ के जो गाने हैं, गीत हैं, उन गीतों के, मनोहर गीतों के साथ लोगों ने भक्ति भावना के साथ छठ माता की पूजा करी। उसके अलावा चाय पानी की व्यवस्था भी मेरे द्वारा जो है श्रद्धालुओं के लिए की गई। सूर्योपासना का यह अनुपम लोक पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन अब उत्तराखंड में भी छठ पर्व उत्साह से मनाया जाने लगा है। अब देखना यह होगा कि इस मुद्दे पर सियासत और क्या क्या रंग दिखाती है। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट।